संडे भी है, हम संडे को पार्टी करते हैं। कुछ चटपटा सा हो जाए, सोचो आज क्या पकाऊं। आइडिया, चिकन सीख कबाब। और हाँ दोस्तों, चिकन कबाब का असली मजा व्हाइट पराठा और चटनी के साथ है, इसलिए मेरी मामा व्हाइट पराठा और चटनी बनाएंगी। दोस्तों हम एक बड़ी बॉक्स फ्रीजर में रख देंगे ताकि जब तक सीख कबाब बने उतनी देर ये खूब ठंडी हो जाए। तो चलिए शुरू करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लेना है 1 किलो चिकन, जिसका हमने कीमा बना देना है। हम इसमें अब ये वाले मसाले ऐड करेंगे। हमने ले लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून नमक, 1 लीमू, हमने नेशनल सी कबाब मसाला ले लेना है 1 टेबलस्पून, और हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है। दोस्तों ये तो मैं आपको बताना भूल गई, मैं बहुत भूल जाती हूँ। हमने दरमियानी साइज का प्याज ले लेना है और 7 से 8 मिर्च ले लेने हैं। दोस्तों स्टेप 1, हमने प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मशीन में चॉप करके इन्हें मिक्स कर देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम अच्छा मिक्स करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कबाब बनेगी। तो दोस्तों स्टेप 2, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने कीमे को इधर इस बड़े बाउल में डाल देना है। हमने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। हमने ब्रेड के 4 पीसों को भी चॉप कर लिया, क्योंकि ये हमें सीख कबाब में चाहिए होते हैं। हम बारी बारी करके इन मसालों को भी इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। तो अब हम ब्रेड डालेंगे। दोस्तों हम अच्छी तरह से हाथ पहले धो लेंगे साबुन से, क्योंकि हमारे हाथ में जरासीम चले जाते हैं। हम अभी चॉप हुई हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम फिर से भी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम नमक डाल देंगे। अब हम डाल देंगे सीख कबाब नेशनल मसाला डाल देंगे। अब हम पेस्ट हुआ अदरक लहसुन अदरक डाल देंगे। स्टेप 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ साबुन से साफ ना हो तो आपके हाथ के जरासीम अब आप में चले जाएंगे, ऐसा ही मैंने आपको पहले भी कहा था। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने इसको, ताकि सारे अच्छी तरह से मसाले इसके अंदर चले जाएं।
दोस्तों देखें, मिक्स करते हुए इतने अच्छे अच्छे कलर्स नजर आ रहे हैं। ये सारे मसाले डाल करी मजे का सीख कबाब बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका बहुत अच्छा जायका आए। दोस्तों 2 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा मैरिनेट हुआ वो गोश्त तैयार हो गया है। अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। अभी मैं आपको सीख कबाब बना कर दिखाती हूँ कि सीख कबाब कैसे बनाते हैं। इसमें रहमान रहीम, हम ऐसे एक छोटी सी बोल ले लेंगे, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे लंबा, क्योंकि छोटा सी कबाब अच्छा नहीं लगता। अब आपने ऐसे ही सारे सीख कबाब बनाने हैं। दोस्तों आपके हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ साफ नहीं होंगे तो आपके हाथ के जरासीम कबाब में चले जाएंगे और फिर आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। दोस्तों मैं ये 8 सीख कबाब बना चुकी हूँ। ओह दोस्तों देखिए कितना कीमा बच चुका है, मैं कल भी पार्टी कर सकती हूँ। लेकिन मेहमानों का कुछ अता पता नहीं होता, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, उस टाइम में उनको फटाफट बना के पेश कर दूंगी। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों अब हम सीख कबाब को शैलो फ्राई करेंगे, हमने लो फ्लेम में ऑन करना है। अगर हम लो फ्लेम में से ज्यादा ऑन करेंगे तो जल जाएगा। दोस्तों हमने एक टाइम भी इतने ही डाले जितने पूरे आए, अगर हम पूरे से ज्यादा डालेंगे तो खराब हो जाएंगे। दोस्तों हमने इसको सीधा उल्टा करते रहने, क्योंकि वरना अगर आप एक दफा ही सारे रखेंगे उसको यूं ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे तो सारे जल जाएंगे। दोस्तों देखिए इतना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरी तो भूख से और पूरा हाल होता जा रहा है, बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने पे रिसर्च कर लेना है। दोस्तों हमने इसको डिश आउट कर लिया है, अब मैं इसको अपने दादा और भाई को टेस्ट कराऊंगी। चलिए दोस्तों दादा ये बना, ये बड़ा फनी है ये। हाँ। ओ, हाँ। भाई बहुत प्यारा है ना, अभी खा के देखते हैं ना कैसे है। बड़े मजे का है, बहुत जबरदस्त। इंडिया करते करूंगा, तो बहुत मजे का है भाई, आप ही बनाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।